आप सभी के एग्जाम आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी के एग्जाम आ रहे हैं। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चों की शिकायत रहती है, हमारे सभी भाई बहनों की शिकायत रहती है कि सर हमें याद नहीं हो पाता है, हम भूल जाते हैं, पेपर में हमें चीजें भूल जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की दोस्तों आज वजह जानते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों कि आप कैसी चीजों को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक आप कैसी भी चीजों को याद करें, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको चीजें याद रहें। आज मैं आपके साथ अपने कुछ अनुभव, कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचेगा। और दोस्तों आप सभी अपने विचार कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम आ रहा है, आप सभी के एग्जाम बहुत पास है, अब आप सभी अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रहे होंगे, अंतिम रूप दे रहे होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरा पेपर कैसा जाएगा, क्या मैं पेपर में लिख पाऊंगा, क्या मुझे चीजें पेपर तक याद रहेंगी। तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपको चीजें लंबे समय तक दोस्तों याद रहे। तो बिल्कुल सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जब भी पढ़ें, बिल्कुल आप जब भी किताब को पढ़ें, किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, तो आपके हाथ में हमेशा दोस्तों पेन और आपकी कॉपी और नोटबुक आपके हाथ में होना चाहिए। बिना लिखे तो पढ़िएगा मत, बिल्कुल दोस्तों। आप थ्योरिटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, तो आपके हाथ में हमेशा पेन और नोटबुक होनी चाहिए दोस्तों। पेन और पेपर के बिना तो आप पढ़िएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आपको चैप्टर समझ में भी आ गया, फिर कुछ टाइम बाद आपको चैप्टर भूल गया, तो बिल्कुल। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज को नोट कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप उस चीज को ज्यादा समय तक याद रखेंगे, क्योंकि उससे आपके लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी अपने आंसर को लिखने में, अपने विचारों को लिखने में, बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर लोगे, बिल्कुल। और ये दोस्तों आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, क्योंकि दोस्तों जो चीज हम लिख लेते हैं वो हमारे माइंड में रहती हैं काफी समय तक, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सारे चैप्टर्स हमको पढ़ने होते हैं, बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी होती हैं, इसलिए हमको चीजें याद नहीं हो पाती हैं। तो बिल्कुल जब हम लिखते हैं तो हमारा नोट्स प्रिपेयर होता है, हमारे अनुभव उस समय आते हैं जो हम सीख पाते हैं, और जब हमारी परीक्षा पास में होती है तो हम उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ करके अपनी चीजों को आसान बना लेते हैं, अपनी चीजों को हम दोस्तों व्यक्त कर पाते हैं पेपर में। इसके बाद दोस्तों मेरी अगली टिप है आपको कि आप अलग अलग साधनों से याद करें, जैसे आप अपनी किताब से पढ़ें, आप अगर कुछ उस पर कोई चीज़ें अगर आपके टेलीविजन पर दे रही है, कुछ उस विषय पर आपको कुछ पता चल रहा है तो आप वहां से भी नॉलेज ले सकते हैं, आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों आप इंटरनेट की भी सेवा का लाभ ले सकते हैं, और दोस्तों अपने नोट्स का सहारा आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल आपको किताब से ही नहीं केवल पढ़ना है, आपको जहां जहां से भी जानकारी उस विषय के बारे में मिले, बिल्कुल आपको उस चीज़ों को लेना है, उन चीज़ों को याद रखना है, उन चीज़ों को नोट करना है। तीसरी चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप पढ़ें तो डिस्कस करके पढ़ें। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं डिस्कशन का बहुत फायदा होता है, जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त का विषय, आपके किसी दोस्त का भौतिक विज्ञान स्ट्रांग है, किसी का भौतिक विज्ञान मजबूत है, किसी का रसायन विज्ञान मौजूद दोस्तों मजबूत है, किसी का गणित मजबूत है, तो बिल्कुल दोस्तों किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आपको डिस्कस करने से चीजें आएंगी। बिल्कुल आप जब भी पढ़ें तो प्रयास करें कि आप ग्रुप स्टडी में पढ़ें, और वो ग्रुप आपका ऐसा होना चाहिए जो कि सब विषय पर आप लोग बात कर सकें, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए दोस्तों। डिस्कशन से भी चीजें आपको बहुत सारी याद रहेंगी, आप बहुत सारी चीजें कर लेंगे। चौथी चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप करें तो बिल्कुल प्रैक्टिस करें। हाँ दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आप चीजों को याद रखेंगे और आपको चीजें उतनी आसानी से याद हो जाएंगी, आपको उन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। अब उसके लिए दोस्तों आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ आपको माइंड मैपिंग अपनी करनी होगी, आपको अपना माइंड को वैसा डेवलप करना होगा कि आप चीजों को कैच कर पाए जल्दी, आप चीजों को याद कर पाए। उसके लिए आपको दोस्तों बार बार प्रयास करना पड़ेगा, कई बार आपका मन नहीं होगा फिर भी आपको प्रयास करना होगा दोस्तों, यही तरीका है। अगर आपको सफल होना है तो बिल्कुल आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। अंतिम बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा आपको उन चीजों को बार बार, हाँ दोस्तों रिवीजन करते रहना है, और आप अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीजों को भूल जाएंगे। कहने का मतलब आपने सभी टिप्स मेरी कही हुई बातों को अप्लाई किया, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं उसका, उस चीज का जो आपने पढ़ा है, आप उसके लिए एक रिवीजन का टाइम नहीं बना रहे हैं, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए थे कि सर हमको इस विषय में दिक्कत हो रही है, हमको इस बताइए कैसे हम चीजों को करें। दोस्तों जिनका बोर्ड एग्जाम अभी जल्दी में है तो ये टिप्स है ही, जो भी बोर्ड एग्जाम आगे देंगे, जो भी अपने एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे बोर्ड एग्जाम, उन दोस्तों सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है।
यहाँ पर दोस्तों मैं आपको, अगर आप पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बता दूं, डाउटनेट नाम का दोस्तों एक ऐप है। इसमें दोस्तों आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ भेज सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट है आप अपने क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके एक बार में क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा, तो बिल्कुल दोस्तों आपको डाउटनेट एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए और अपने व्यूज को